सेफ रह ले, समझा? तू क्लास में तो इतना नहीं बोल, मुँह में दही जमा रखा है क्या? सोचता हूँ। कैचू, ग्राउंड की लीज खत्म हो गई है और सरकार उसे जब से याद है हम शहर और स्कूल ही बदल रहे हैं। बस बाहर वालों की वजह से अपना काम भूल गया। होली है जो हर जगह मेरा साथ देती है, चलती रहती है, पर ये जानवर मेरा पीछा नहीं छोड़ते। की कहानी पर बनी है फिल्म चिड़ियाखाना, 2 जून को होगी रिलीज। भोजपुरी एक्टर रवि किशन लंबे समय बाद एक बार फिर बड़े पर्दे पर अपना जलवा बिखेरने के लिए तैयार हैं। फुटबॉल पर आधारित बिहारी लड़कों की कहानी पर बनी फिल्म चिड़ियाखाना में एक्टर नजर आने वाले हैं। पटना, दिल दोस्ती एक्सेट्रा और इसाक के बाद जाने माने डायरेक्टर मनीष तिवारी की नई फिल्म चिड़ियाखाना रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। फुटबॉल पर आधारित यह फिल्म 2 जून को देश भर में बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही है। NFDC द्वारा निर्मित और भारती स्टूडियोज द्वारा प्रस्तुत यह फिल्म प्लाटून 1 रिलीज करने जा रहा है। फिलहाल इस फिल्म का प्रमोशन काफी तेजी से चल रहा है। फिल्म में लीड रोल में नजर आने वाले सांसद और एक्टर रवि किशन ने इसे बिहार में टैक्स फ्री करने की मांग की है। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने बिहार सरकार में वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव को इसके लिए अनुरोध पत्र भेजा दिया है। हुआ इच्छुन भूटिया ने की फिल्म देखने की अपील, वही फुटबॉल पर आधारित होने के नाते भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित बायचुंग भूटिया ने भी इस फिल्म की सराहना की है और दर्शकों से देखने की अपील की है। उन्होंने इसके लिए एक वीडियो जारी करके मैसेज शेयर किया है। इस फिल्म के मुख्य किरदार में ऋत्विक सहोर हैं। उनका किरदार बिहार के एक लड़के कहानी बताता है जिसका नाम सूरज दिया गया है, जो अपनी माँ के साथ मुंबई के चौल में रहता है। वो मुंबई शहर की भूल भुलैया में अपने पैर जमाते हुए नजर आ रहा है। फिल्म में ऋत्विक, अवनीत कौर, प्रशांत नारायणन, रवि किशन, राजेश्वरी सचदेव, गोविंद नामदेव, अंजन श्रीवास्तव भूमिका में नजर आएंगे। फुटबॉल पर आधारित बिहारी लड़कों की कहानी पर बनी है फिल्म चिड़ियाखाना, 2 जून को होगी। भोजपुरी एक्टर रवि किशन लंबे समय बाद एक बार फिर बड़े पर्दे पर अपना जलवा बिखेरने के लिए तैयार हैं। फुटबॉल पर आधारित बिहारी लड़कों की कहानी पर बनी फिल्म चिड़ियाखाना में एक्टर नजर आने वाले हैं। पटना, दिल दोस्ती एक्सेट्रा और इसाक के बाद जाने माने डायरेक्टर मनीष तिवारी की नई फिल्म चिड़ियाखाना रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। फुटबॉल पर आधारित यह फिल्म 2 जून को देश भर में बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही है। NFDC द्वारा निर्मित और भारती स्टूडियोज द्वारा प्रस्तुत यह फिल्म प्लाटून 1 रिलीज करने जा रहा है। फिलहाल इस फिल्म का प्रमोशन काफी तेजी से चल रहा है। फिल्म में लीड रोल में नजर आने वाले सांसद और एक्टर रवि किशन ने इसे बिहार में टैक्स फ्री करने की मांग की है। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने बिहार सरकार में वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव को इसके लिए अनुरोध पत्र भेजा दिया है। बायचुंग भूटिया ने की फिल्म देखने की अपील, वही फुटबॉल पर आधारित होने के नाते भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित बायचुंग भूटिया ने भी इस फिल्म की सराहना की है और दर्शकों से देखने की अपील की है। उन्होंने इसके लिए एक वीडियो जारी करके मैसेज शेयर किया है। इस फिल्म के मुख्य किरदार में ऋत्विक सहोर हैं। उनका किरदार बिहार के एक लड़के कहानी बताता है जिसका नाम सूरज दिया गया है, जो अपनी माँ के साथ मुंबई के चौल में रहता है। वो मुंबई शहर की भूल भुलैया में अपने पैर जमाते हुए नजर आ रहा है। फिल्म में ऋत्विक, अवनीत कौर, प्रशांत नारायणन, रवि किशन, राजेश्वरी सचदेव, गोविंद नामदेव, अंजन श्रीवास्तव भूमिका में नजर आएगा। कहानी है फुटबॉल के जुनून की। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे शख्स की है जो फुटबॉल के एक जुनून की तरह लेकर जीता है। इस प्रक्रिया में न केवल खुद को बल्कि अपने दोस्तों और अपने स्कूल को भी सशक्त करता है और दुश्मनों को दोस्त बनने पर मजबूर करता है। फिल्म के निर्देशक मनीष तिवारी मानते हैं कि चिड़ियाखाना खेल भावना और एकजुटता की कहानी है। फिल्म में काम कर रहे रविराज पटेल ने कहा कि मैं दिल दोस्ती एक्सेट्रा का एक प्रशंसक होने के नाते इस फिल्म से जुड़कर बहुत खुश हूँ। यह NFDC की फिल्म है, इससे गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इस फिल्म के मधुर गीत संगीत जी म्यूजिक पर प्रसारित हो रहे हैं। मैं दिल दोस्ती एक्सेट्रा का एक प्रशंसक होने के नाते इस फिल्म से जुड़कर बहुत खुश हूँ। यह NFDC की फिल्म है, इससे गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इस फिल्म के मधुर गीत संगीत जी म्यूजिक पर प्रसारित हो रहे हैं। रविराज पटेल, कलाकार। सेफ रह ले, समझा? तू क्लास में तो इतना नहीं बोल, मुँह में दही जमा रखा है क्या? सोचता हूँ। कैचू, ग्राउंड की लीज खत्म हो गई है और सरकार उसे
जब से याद है हम शहर और स्कूल ही बदल रहे हैं। बस गोल रोटी गोल रुपया गोल गोल गंदा गोल मेरा गोल मारा गोल। बाहर वालों की वजह से अपना काम भूल गया। होली है जो हर जगह मेरा साथ देती है, चलती रहती है, पर ये जानवर मेरा पीछा नहीं छोड़ते।